नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज में। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आज की तमाम अपडेट इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपको बताने वाले कि सुशील कुमार केस में यूक्रेन की महिला का कनेक्शन सामने आया है, सरगर्मी से तलाश में जुट चुकी है पुलिस। दोस्तों, आखिरकार दोस्तों क्या है ये यूक्रेन महिला का राज। दोस्तों, बताया कि पहलवान सागर धनगढ़ की हत्या के मामले में जांच से जुटी पुलिस यूक्रेन की एक महिला को तलाश कर रही है। पुलिस का मानना है कि सुशील और सागर के बीच लड़ाई की मुख्य वजह वही है। आखिरकार दोस्तों क्या है लड़ाई की मुख्य वजह, क्या यह महिला वाकई में ही सुशील और सागर की असली वजह है? तो दोस्तों, इस अपडेट को हम आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो चल गए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वही चैनल पे नए हो तो चैनल के ऊपर एक नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ऐसे में हम कोई भी वीडियो डालेंगे सुशील कुमार से संबंधित तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप जानकारी को प्राप्त कर पाओगे। दोस्तों, जानते हैं आगे की अपडेट क्या है। पहलवान सागर धनगढ़ की हत्या के मामले में जांच में जुटी दिल्ली पुलिस जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए बात सामने आ रही है। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस को लगा है कि सुशील कुमार और सागर के बीच दुश्मनी के पीछे यूक्रेन की एक महिला थी। पुलिस इस महिला का पता लगाने में जुट गई है। दरअसल पुलिस को लगता है कि सुशील और सागर के बीच शत्रुता के बाद में ये महिला बहुत कुछ जानती है। पुलिस इस महिला से पूछताछ कर ये जानना चाहती है कि दोनों पहलवानों एवं उनके गुटों में तकरार क्यों इतनी बढ़ गई। सागर की हत्या मामले में ओलंपिक सुशील कुमार जेल में है अभी भी, आपको बता दे दोस्तों। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस महिला को लेकर रहस्य है कि इस महिला के बारे में बताया जा रहा है कि मॉडल टाउन स्थित अपने फ्लैट में जब सुशील नहीं होता था तब वह महिला वहां अक्सर आया करती थी। इस मामले में जो भी संदेह अथवा शिकायत करता है उन्हें इस महिला के मौजूदा ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि यह महिला धनगढ़ के दोस्तों अमित एवं सोनू महल की परिचित थी। पुलिस सोमवार को महिला से पूछताछ करने वाली थी लेकिन वह पैसे नहीं हुआ। 4 मई की हत्या वाले रात सुशील कुमार ने धनगढ़ के साथ महिला एवं अमित पर भी हमला किया था। आरोप है कि इस मामले में सुशील के साथ गिरफ्तार अजय कुमार का यूक्रेन की इस महिला पर दिल आ गया था। दोनों गुंडों में पहली बार झड़पट तब हुई जब अजय ने इस महिला के साथ सेल्फी ली थी। महिला ने फ्लैट पर इस महिला का जन्मदिन पार्टी दी थी। इस दौरान सुशील के दोस्त अजय ने कथित रूप से लड़की के साथ बदसलूकी की और उसके साथ सेल्फी ली। इस घटना में महल को नाराज कर दिया। इस बारे में वह सागर के साथ मिलकर पहले अजय और फिर बाद में सुशील के साथ झगड़ा किया। दोनों गुंडों में कहासुनी हुई। समझा जाता है कि अजय ने महिला और धनगढ़ के खिलाफ सुशील और उसका अजय चाहता था कि सुशील सेल्फी लेने का बदला महल और धनगढ़ से ले। नीरज बवानिया गिरोह के साथ जुड़े चुके सुशील ने इस बाद महल और सागर को अपना फ्लैट खाली करने के लिए कहा। फ्लैट खाली करने के बाद सामने आने पर दोनों गुंडों के विवाद और बढ़ गए। बताया जा रहा है कि धनगढ़ ने छत्रसाल स्टेडियम में 50 से 60 पहलवानों का दाखिला एक दूसरे कोच के यहाँ करवा दिया था। इस कोच को सुशील पहले स्टेडियम से बाहर निकाल चुका था। इस घटना ने सुशील और सागर के बीच जारी लड़ाई को और तीखा कर दिया। बाद में धनगढ़ और विजेंदर ने कथित रूप से नगलोई में अपना एक अखाड़ा शुरू कर दिया और वहाँ पहलवानों को प्रशिक्षण देने लगे। इससे सुशील कुमार को नाराजगी और बढ़ गई। वह धनगढ़ को सब ठिकाने का मौका ढूंढ रहा था। दोस्तों, सुशील कुमार से संबंधित आगे की अपडेट भी चाहते तो अभी के भी चैनल को नीचे लाल बटन दे रखा है उसे दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही तमाम अपडेट आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।